हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। ग्रुप डी अर्थात परिचारी, ठीक है, परिचारी के बहाली आने वाली है और ये लगभग 50,000 पदों पर बहाली आने वाली है। 50,000 पदों पर बहाली आने वाली है। इसके संबंध में बिहार सरकार ने एक और बड़ा स्टेप ले लिया है और बड़ा स्टेप के साथ साथ एक और बाधाओं को दूर करते हुए बहाली की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा दिया है। पूरे विस्तार से जानेंगे कि ये क्या कदम बिहार सरकार ने उठाया है और काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख रहे हैं कि 26 दिसंबर 2023 का ये कैबिनेट मीटिंग का फैसला है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें बिहार सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है ग्रुप डी के बहाली हेतु। चलिए हम लोग जानते हैं विस्तार से। तो ग्रुप डी के बहाली हेतु वित्त प्रशासन के अंतर्गत, वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार सरकार कार्यालय परिचारी संवर्ग के पदोन्नति सोपान के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में ये जो वित्त विभाग के अंतर्गत किया गया है, ये आखिर है क्या, आखिर है क्या और ये क्यों आवश्यक था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिचारी अर्थात ग्रुप डी का जो पद था उसके लिए जो भी ग्रेड पे तय किए गए थे, इनके प्रमोशन के स्ट्रक्चर तैयार नहीं किए गए थे। अब प्रमोशन के स्ट्रक्चर को तैयार करते हुए उस प्रमोशन के स्ट्रक्चर के अनुसार इनके वेतनमान में किस तरह की बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके पद सोपान के अनुसार वेतन संरचना क्या होगी, इसके संबंध में एक व्यापक संशोधन करने जा रहा है। व्यापक ये संशोधन होगा और व्यापक संशोधन के अनुसार सारी प्रक्रियाओं को तय कर दिया जाएगा कि अगर आपका 1800 ग्रेड पे में बहाली होता है, ठीक है, तो अगला जो आपका प्रमोशन होगा क्या वो 2400 में होगा या फिर उससे आगे होगा या फिर उससे कम होगा, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से इसमें चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये तय हो जाएगा, पद सोपान और वेतन संरचना इनकी तय हो जाएगी, ग्रुप डी की बहाली आ जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि ग्रुप डी की बहाली भारी पैमाने पर लगभग 50,000 पदों पर, कई समय से चर्चा है कि 50,000 पदों पर बहाली आने वाली है। तो इन 50,000 पदों पर बहाली अब बहुत जल्द आएगी। अब आप लोग इस बाधा को दूर होते ही ये बहाली के जो आपका इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको अपडेट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे हैं तो डेफिनेट रूप से आप इसे एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये पद सोपान और वेतन संरचना में संशोधन होते ही वैकेंसी आपके सामने होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।